नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्रेंड डनामो बंडी वर्सेस कोबरा का मुकाबला है इंग्लिश क्रिकेट लीग में हंगरी की, तो मैं इस मैच की आपको एक ड्रीम इलेवन की टीम दूंगा जिसमें आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरी से पूरी देखनी है और इस वीडियो में जो भी मैं प्लेयर सजेस्ट करूँ वो चूज़ करने हैं, क्योंकि जो मैं प्लेयर बताऊँगा वो काफ़ी मैंने पढ़ के कौन सा सिलेक्शन करना है, मैंने रिसर्च करके ये प्लेयर बताऊंगा। तो प्लीज़ 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 ये वीडियो देखिए और पूरे सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड, क्योंकि ये हंगरी के पीछे है। और मैं बताऊँ, ये कोई खास पिच मूविंग वाली नहीं होगी, ये एक आर्टिफिशियल पिच होती है T10 के लिए। इसमें जल्दी जल्दी शॉट्स लगते हैं, जल्दी जल्दी रन बनते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर आपको लेने हैं। देखिए, हमें सबसे पहले विकेट कीपर सेलेक्ट करने हैं, वो है एस अश्वत्थामा, जो कि पिछले कुछ T10 में खेल चुके हैं और ज़बरदस्त परफॉर्म कर चुके हैं। इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, अब इनके साथ बेफिक्र होके जा सकते हैं। कोबरा की तरफ से खेलते हैं और अच्छे रन मारेंगे, तो एस अश्वत्थामा मैंने सेलेक्ट करे हैं। बैट्समैन ने रुद्रा और जामिल, मैं बता दूँ कि इसमें जामिल जो हैं वो टॉप के प्लेयर माने जाते हैं। जामिल के स्कोर काफ़ी अच्छे रहे हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बड़े दावेदार जामिल होंगे, तो आप इनको जोड़ लें। वहीं एस पोमेश हेती, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ बेफिक्र होकर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छे रन पीछे भी मैं टूर्नामेंट्स में स्कोर करे हैं इन्होंने, तो आप इनको ले सकते हैं। वहीं डी का एक बात, ये जितने भी मैंने बैट्समैन लिए हैं इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। T10 में जैसे कुछ इंग्लिश लीग्स खेल चुके हैं, कुछ यूरोपियन लीग खेल चुके हैं, तो आप इन उस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस इनका देखा है और ये प्लेयर काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। क्योंकि पहला मैच है तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पहले मैच में ही सबसे ज़्यादा अर्निंग चांस होते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि कौन सा प्लेयर लेना है। ऑलराउंडर्स की मैं बात करूँ तो ऑलराउंडर्स में ए परियार काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे आपके लिए, और सुमित कुमार, इन दोनों को परफॉर्मेंस अच्छा आ जाए। और मैं इसमें बता तो ए यमियाज को मत लीजिएगा, ये खेलेंगे नहीं क्योंकि ये चोटिल है। तो परिहार और सुमित कुमार दोनों प्लेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों प्लेयर के साथ जा सकते हैं। तीसरे हैं वी वासुदेव, वासुदेव काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और ऑलराउंडर्स में नीचे की तरफ आएंगे और अच्छे से रन स्कोर करते हैं। तो जो T10 होता है इसमें ऑलराउंडर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हिटिंग और बॉलिंग दोनों ही देखी जाती है, तो आप इनको ले सकते हैं। बॉलर्स की बात करी जाए तो परिहार काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं इस मैच में, बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, एक्यूरेसी अच्छी है, आप इनको ले। अनंत सिंह, ये भी एक कमाल के आपका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कम एक्सपीरियंस है लेकिन लिटरली अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको ले सकते हैं। तीसरे बी सिंह, बी सिंह एक कम अमाउंट में काफ़ी अच्छे प्लेयर उभरते हुए आ सकते हैं, ये लगातार अच्छे विकेट ले रहे हैं और अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको बेफिक्र होके ले सकते हैं अपनी टीम में और अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर अब आती है सबसे बड़ी कैप्टन वाइस कैप्टन, किसको बनाए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मेरे फेवरेट रहेंगे एस जामिल। एस जामिल लगातार बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप इनको ले सकते हैं, बेस्ट रिकॉर्ड है इनकी टीम का। रुद्रा आपके लिए वाइस कैप्टन हो सकते हैं, सुमित कुमार, क्योंकि ऑलराउंडर से एक वाइस कैप्टन में डालना कोई बुरी बात नहीं रहेगी, बॉलिंग बैटिंग दोनों होता है, मच आपको अच्छे रन दे सकता है। और आप यहाँ पे वासुदेव और परिहार, आप इन तीनों में से वाइस कैप्टन किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा जामिल को आप कैप्टन बना के रखें, आप एक अच्छा रिटर्न पाएंगे। तो फ्रेंड्स बनाइए अपनी टीम इलेवन की टीम, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करिए मेरी वीडियो पे। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।